नक्सलियों ने एक प्रेस नोट जारी कर बस्तर के जंगलों में पुलिस पर एयर स्ट्राइक करने का आरोप लगाया है। आरोप यह है कि नक्सल प्रभावित इलाकों में 19 अप्रैल को ड्रोन से बम गिराया गया और सबूत के तौर पर बाकायदा बमबारी की तस्वीर भी नक्सलियों ने जारी की। दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के प्रवक्ता विकल्प द्वारा जारी प्रेस नोट के माध्यम से मीडिया को इस बात की जानकारी दी गई है कि 19 अप्रैल की सुबह ड्रोन और हेलीकॉप्टर से माओवादियों पर 12 बम गिराए गए हैं। विकल्प के अनुसार ड्रोन हमले से पहले ही नक्सली अपना ठिकाना बदल चुके थे, जिसके चलते उन्हें एयर स्ट्राइक से कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। नक्सलियों ने बम गिराए जाने संबंधी एक फोटो और एक वीडियो भी जारी किया है। फोटो में एयर स्ट्राइक बम के अवशेषों को बाकायदा दिखाया गया है। चौथा नंबर बम जो अरसी में विस्फोट आता, विस्फोट आता बोंगा और इगने दिन लगने उठले उठले चर्रा मनता वन तचुटला चुटला तो ने चर्रा आंगे। दूसरी ओर बस्तर के आईजी सुंदरराज पी ने कहा कि नक्सलियों का यह आरोप बेबुनियाद है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ड्रोन या हेलीकॉप्टर से किसी प्रकार की बमबारी नहीं की गई है। एयर स्ट्राइक के आरोप को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए आईजी ने कहा कि यह आरोप नक्सलियों पर फोर्स के दबाव की बौखलाहट हताशा को साफ जाहिर करता है। आईजी सुंदरराज पी की माने तो नक्सल मोर्चे पर तैनात फोर्स कानून और नियम कायदों से बंधकर अपनी ड्यूटी कर रही है। लोगों की जान माल की सुरक्षा ही फोर्स का मकसद है। सीपीएम माओवादी संगठन द्वारा आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके उनके ठिकाने पर सुरक्षा बल द्वारा ड्रोन के माध्यम से एरियल स्ट्राइक करने के आरोप लगाया गया। ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। बस्तर क्षेत्र में तैनात पुलिस एवं सुरक्षा बल द्वारा इलाके में जनता के जानमाल की रक्षा करने के लिए नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। वास्तव स्थिति ऐसा है कि विगत कुछ दिनों से सीपीएम माओवादी संगठन मुखलाय हुआ, इसी कारण से क्षेत्र में निर्दोष आदिवासी ग्रामीण को हत्या करना, आगजनी तोड़फोड़ जैसा विकास विरोधी हरकत को अंजाम देना, क्षेत्र में महिला बच्चे पढ़ने वाले छात्र को विरुद्ध प्रताड़ित करना, इस टाइप का अनेक प्रकार की गैर मानवीय एवं विकास विरोधी हरकत को अंजाम दे रहे हैं। बहुत जल्दी इन सब हरकतों के कारण से सीपीएम माओवादी संगठन का क्षेत्र से सफाई होगा। आईजी ने नक्सलियों को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि ये सही वक्त है कि वे अपनी इन हरकतों से बाज आए, ताकि बस्तर की अबोध जनता शांति से जीवन यापन कर सके, अन्यथा अपने सर्वनाश के लिए ये तैयार रहे। देश टीवी के लिए जगदलपुर से धर्मेंद्र महापात्र की रिपोर्ट।